एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं जा रही हूँ अपने भतीजे की मैरिज, और चलिए आपको भी ले चलती हूँ और दिखाती हूँ हिमाचली वेडिंग। सो ये है मेरा आज का लुक, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। सो यहाँ से हम घर से निकल गए हैं, तो ये पहुँच गए थे हम जाखड़ी। तो जाखड़ी ओके जा रहे हैं, जाखड़ी से 4-5 किलोमीटर थोड़ा सा लिंक रोड है। सो वहाँ है भतीजे की मैरिज। सो वैसे मेरे मायके गौरा साइड से भी जाते हैं और यहाँ से भी। तो ये देखिए, ये NH है और यहाँ से हम टर्न लेंगे। सो ये रोड जाएगा उनके घर तक। सो चलिए, आज आपको मैंने सोचा वेडिंग का थोड़ा सा दिखाती हूँ किस तरह से होती है हिमाचल की वेडिंग, आउट ऑफ जो मेरे हिमाचल के से बाहर के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए है। सो यहाँ पहुँच गए थे गाइज हम वेडिंग में। सो ये हैं भैया भाभी जिनके बेटे की मैरिज है। सो काफ़ी बड़े हैं मुझसे। सो इनके बेटे की आज मैरिज है, और इस तरह से यहाँ पे पंडित जी पहले इनकी पूजा करते हैं और इन्हें हवन में मतलब यही बैठते हैं अभी, और इसके बाद यहाँ पे हो रहा है मामा स्वागत। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए। सो गाइज, इसी तरह से हिमाचली वेडिंग में मामा स्वागत किया जाता है। सो इस तरह से उन्हें अच्छे से मफलर पहनाते हैं, टोपियां पहनाते हैं, और इस तरह से अखरोट की माला पहनाई जाती है, और बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। आई होप आपने म्यूज़िक भी इंजॉय किया होगा। सो चलिए अब थोड़ा सा डांस दिखाती हूँ आपको, और भतीजे की मैरिज में मैंने भी काफ़ी सारा डांस किया है। सो चलिए आप इंजॉय कीजिए। सो गाइज, यहाँ पे बैठे हैं घर के जितने भी बुज़ुर्ग हैं और ताया जी वगैरह। सो वो यहाँ पे बैठे थे, और इस तरह से हर एक वेडिंग में बॉन फायर रखा होता है, इस तरह का अरेंजमेंट, स्पेशली विंटर्स में, ताकि सभी लोग यहाँ पे बैठ सकें और मैरिज को एंजॉय कर सकें, क्योंकि ठंड बहुत होती है। और आजकल तो वैसे भी नवंबर का सीज़न है, तो हिमाचल में बहुत ठंड होती है। और ये हैं भैया, सो आप सभी को हाय कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, और सामने हैं हस्बैंड भी। सो ये है मेरे ताया जी, चाचा जी, और चाचू हैं, दूसरे चाचू, साथ में है सुमित, दीदी का बेटा। सो ये है गाइज अभी डिनर टाइम हमारा। सो हम सारे साथ बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे।
सो ये है सुमित, इसकी भी अभी शादी हुई है। सो साथ में दाठू वाली जो लड़की है वो इसकी वाइफ है, और ये है हस्बैंड यहाँ पे। सो ये है चेतना, मेरी सिस्टर, मुस्कान भैया की बेटी। सो सबसे मैं थोड़ा थोड़ा मिलवा रही हूँ आपको, क्योंकि मैरिज में ही मिलते हैं सारे। सो ये भी है सामने भैया की बेटी। सो इसे भी बड़ा वीडियो में आने का था, सो इसे भी ले लिया। और ये है मुनीश, ये भी मेरे भैया का बेटा है। ये हैं चाचा जी। सो ये है सुमित की वाइफ। सो इनकी अभी अभी शादी हुई है रिसेंटली। सो सामने बैठे हैं हस्बैंड, और ठंड बहुत ही गाइस इस टाइम पे। और ये है चेतना, ये देखिए मेरा भाई। सो हम लोग मैरिज में इसी तरह का एंजॉय करते हैं। आई होप आप लोग बॉदर नहीं करोगे। तो चलिए आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ क्या क्या बना था खाने में। सो ये है मिक्स वेज, और ये थे कोफ्ते, साथ ही साथ यहाँ बनी है राजमा। सो काफ़ी वैरायटी थी खाने में। और ये थी, ये मटर पनीर था, और ये यहाँ पे राइस, और साथ साथ थी पूरियाँ। सो काफ़ी अच्छा खाना था, काफ़ी टेस्टी खाना था, और सैलेड वगैरह। और बाहर का देखिए अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से नाइट में। सामने बॉन फायर है, और कुछ लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, हम लोग बाकी सब डिनर कर रहे थे। सो विंटर की मैरिज ऐसी ही होती है। सो बट मज़ा काफ़ी आता है, और मतलब फैमिली में मेरे मायके साइड से पहली मैरिज मैंने अटेंड की है, तो काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट भी थी। सो आई होप आप लोग इन्जॉय कर पा रहे होंगे। सो कल वाला व्लॉग भी यही व्लॉग आने वाला है। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा आप लोग। सो ये है गाइस नाटी। सो इस तरह से लगती है हिमाचल में शादियों में नाटी। सो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है ये दूल्हा है। सो ये इनके सारे फ्रेंड्स हैं, और दूल्हे को ज़बरदस्ती लेके आए नाचने के लिए। सो बहुत अच्छा लगता है, और पहाड़ी शादियों में पहाड़ी गाना ना बजे तो मतलब जो हिमाचली वेडिंग है वो अधूरी होती है। सो जैसे ही म्यूज़िक शुरू होता है तो सभी के पांव थिरकने लगते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है, और मैंने भी काफ़ी सारा डांस किया, बहुत अच्छा लग रहा था काफ़ी टाइम बाद। सो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ बैठे थे थोड़ी देर, और बस अब इसके बाद थोड़ी देर बैठेंगे, फिर जाना था घर को वापस। टाइम होने लगा था 10 बजे के आसपास, थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। सो उम्मीद है गाइस आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। शादी में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, ज़्यादा मौका नहीं मिलता शूट करने का। कल आपके लिए बहुत अच्छा सा व्लॉग आएगा शादी वाला दूसरा, जिसमें दुल्हन भी आपको दिखाऊंगी। सो बने रहिएगा चैनल के साथ, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल।